Hello children, how are you? Class 4 children, I am back with you. We will do the 9th lesson. This is of English literature. The chapter name is Birbal's Trip to Paradise. See that Birbal, he was very famous in the court of Akbar. Just like Birbal, there were others who are still known for their wit and humor, like Gopal Bhand and Tenali Rama. Gopal used to serve at the court of King Krishnachandra of Nadia in Bengal, and Tenali Raman was a court poet of King Krishnadevaraya of Vijayanagar. So we see all three were famous: Birbal, Tenali Raman and Gopal Bhand. All these three were court poets of their king. Now the characters in this play are narrator, Akbar, Babar and Birbal. Narrator: a long time ago, Akbar, the great ruler of India, he was the greatest of all the Mughal emperors. So we see that Akbar, Mughal Shashak ke sabse prasidh raja the. Akbar proudly: I am the greatest of all Mughals. I have many advisors and countless servants, but my favorite one is Birbal. Birbal is the wittiest and cleverest man in the whole empire. So Akbar kehte hain ki main sabse prasidh Mughal ka shashak hu, और मेरे काउंटलेस ढेरों नौकर चाकर हैं, और मेरा सबसे पसंदीदा उन सब में बिरबल है. बिरबल जो है विटिएस्ट, हाजिर जवाब है, और क्लेवरेस्ट, बहुत ही होशियार है पूरे राज्य में. नरेटर: बट बिरबल हैड enemies who were envious of his popularity. Most envious of all was the emperor's Babar. The Babar knew that favor of Akbar brought fortune. तो नरेटर बताते हैं कि बिरबल उनके कई दुश्मन थे, हुआ एनवीएस, जो उनसे जलते थे उनकी पॉपुलैरिटी से, उनकी वो प्रसिद्ध थे इसीलिए. मोस्ट एनवीएस ऑफ ऑल वॉज द एम्प्रेस बाबर, जो सबसे ज़्यादा जलता था वो राजा का बाबर यानी नाई था. वो उसे पता था कि अकबर्स फेवर पाने के लिए उस अकबर अगर किसी को पसंद करते थे तो उसे बहुत ढेर सारा फॉर्चून मिलता है, यानी कि वेल्थ, ऐश्वर्य मिलता है, और राजा के चेतों में वो रहता है. वाई कैन अ बाबर नॉट बी द फॉर्चुनेट वन फॉर अ चेंज? आई एम एज क्लेवर एंड विटी एज बिरबल. आई हैव गुड आइडियाज. आई डिजर्व अ बेटर पोजिशन. बाबर अपने बारबर यानी नाई अपने मन में बोलता है कि मैं क्यों नहीं वो फॉर्चुनेट हो सकता हूँ, यानी कि मुझे क्यों नहीं ऐश्वर्य मिल सकता है, और बिरबल की तरह मैं भी तो होशियार हूँ, मेरे भी कई नए नए आइडियाज़ हैं. आई डिज़र्व अ बेटर पोजिशन, मुझे और अच्छे ओहदा चाहिए. नरेटर जब है वो कहते हैं द बाबर्स एनवी टर्न टू हेट्रेड. ही प्लॉटेड फॉर बिरबल्स डाउनफॉल डे एंड नाइट. वेरी सून ही वर्कड आउट अ कनिंग प्लान. तो हम देखते हैं कि बारबर की जो जलन थी वो दुष्टता में बदल गई, और उसने योजना बनाई बारबल बिरबल को. दिन रात उसके प्रति वो जलता रहता था, और योजना बनाई उसे वहाँ से हटाने के लिए. वन डे वाइल ट्रिमिंग द एम्प्रेस बियर्ड द बाबर फाउंड द करेज टू स्पीक अप एंड पुट हिज प्लान इन टू एक्शन. एक दिन राजा की दाढ़ी बनाते समय उसने साहस जुटाई और अपनी योजना को कामयाब करने की तरीका सोचा. बारबर: You know, Your Majesty, last night I dreamt of your father. Emperor: My father, you said? Did he speak to you? Barber: Yes, Your Excellency. He is very happy in paradise. But he says that all the residents of heaven are terrible bores. He wants you to send someone to keep him amused for fine talk. Someone who is clever and witty needs to be sent. So, बारबर जो है वो महाराज से कहता है कि कल रात मैं सपने में आपके पिताजी को देखा. तो राजा कहते हैं अच्छा, उन्होंने तुमसे बात की? बारबर कहता है हाँ, उन्होंने मुझसे बात की, और वो कह रहे थे कि यहाँ स्वर्ग में सभी बिल्कुल उबाऊ हैं, बोझ हैं, और वो चाहते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जो हाजिर जवाब हो और होशियार हो.
Narrator. Now, although Akbar prized Birbal very much, he truly respected his own father. After a little thought, he decided to send his favorite advisor to paradise. To entertain the old man, he sent for Birbal. तो नरेटर यहाँ पे कथाकार जो है वो कह रहे हैं कि अकबर चूँकि बिरबल को बहुत पसंद करते थे और लेकिन अपने पिता को वो बहुत इज्जत भी देते थे. आफ्टर अ लिटल थॉट, कुछ सोच करके विचार करके उन्होंने अपने पसंदीदा बिरबल को बुलवाया. बाबर, द ओनली वे टू रीच हेवन इज थ्रू डेथ. वॉट अ ब्रिलियंट प्लान आई हैव कॉन्ट्राइव्ड. बिरबल विल हैव टू डाई. यहाँ बाबर जो है अपने मन में बहुत खुश हो रहा है, कह रहा है कि अब तो जाने का रास्ता केवल मरने से ही हो सकता है. कितना बढ़िया योजना हमने बनाई है. कॉन्ट्राइव्ड. बिरबल विल हैव टू डाई. अब बिरबल को तो मरना ही होगा. नरेटर, बिरबल रोड टू द कोर्ट एट वंस टू लर्न द एम्प्रेस विशेस. तुरंत हाजिर हो गया बिरबल. अकबर, बिरबल, इफ आई हैव नॉट जज्ड यू रॉन्गली आई थिंक यू लव मी इनफ टू मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर माई सेक. अकबर कहते हैं बिरबल कि अगर मैंने तुम्हें सही पहचान की है तो तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और अगर मैं तुमसे कोई सेक्रीफाइस की उम्मीद रखूँ तो ज़रूर तुम मेरे लिए करोगे. बिरबल कहता है यू नो आई डू एम्परर. तो बिरबल कहता है कि मैं आपको इज्जत देता हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा. बार-बार असाइड, यस दैट इज़ राइट, गो ऑन. तो बार-बार यहाँ नाई यहाँ बहुत खुश हो रहा है, कह रहा है चलो चलो अच्छा है, एक बगल आ कर के रह, गो ऑन. अकबर, देन आई वुड लाइक यू टू गो टू हेवन एंड कीप माई डियर फादर कंपनी. बाबा असाइड, यस कंपनी, दैट्स इट. बिरबल, योर हाइनेस, इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी बट मे आई टेक अ फ्यू डेज टू प्रिपेयर. बाबा, बट योर फादर सर इज सो सैड, सो वेरी वेरी बोर्ड एंड सैड. एंड अकबर, साइलेंस. बिरबल, यू आर डूइंग मी अ ग्रेट फेवर. ऑफकोर्स यू शुड प्रिपेयर, आई विल गिव यू अ वीक. बाबा रोल्स हिज आइज एंड स्पीक्स क्वाइटली. A week. Narrator, Birbal returned home and dug a deep pit in the ground of his house. This would be his grave, but along with it, he also dug a secret tunnel that opened under the floor of his private room. Then he returned to meet the emperor. So we see, यहाँ पे हम देखते हैं, अकबर ने बिरबल से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम हेवन जाओ, स्वर्ग जाओ मेरे पिता को साथ के लिए. बार-बार जो था यहाँ पे बहुत खुश हो रहा है, कह रहा है चलो चलो अच्छा है. बिरबल कहता है योर हाइनेस, मैं तो तैयार हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तैयारी करने के लिए कुछ दिन चाहिए. बार-बार योर फादर, तो वो यहाँ पे वो जो नाई था वो सोच रहा है अरे कहीं इसमें थोड़ी सी दिक्कतें ना आ जाए. तो वो कह रहा है कि अरे बहुत बोर हो रहे हैं आपके पिताजी. तो अकबर कहता है चुप हो जाओ, बिरबल मेरे लिए यहाँ पे फेवर कर रहा है, मेरे लिए कोई काम कर रहा है. बिरबल ठीक है, तुम्हें मैं समय देता हूँ, एक सप्ताह समय देता हूँ. बार-बार यहाँ पे एक भी एक सप्ताह इसे मिल गया. तो नरेटर कहता है तो यहाँ पे बिरबल गया, जैसे कि हम ये दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं कि बिरबल ने तैयारी की, रिटर्न होम, घर गया और डग अ डीप पिट. तो हम देख सकते हैं उसने गहरा खोदा एक टनल, सुरंग बनाई जो कि उसके घर तक पहुँचती है. This would be his grave, but along with it he also dug a secret tunnel. तो एक सुरंग बनाई and उसकी जो ज़मीन थी वो उसकी private यानी अपने कमरे में खुलती थी. Then he returned to meet the emperor. उसके बाद वो वापस गया राजा से मिलने. बिरबल, your highness, I am ready to go to heaven. अकबर, very good बिरबल. तो वापस जा कर के बिरबल कहता है कि महाराज मैं जाने के लिए स्वर्ग तैयार हूँ. अकबर कहता है बहुत अच्छे बिरबल. बिरबल, बट इन अकॉर्डेंस विद एन ओल्ड फैमिली ट्रेडिशन आई वुड लाइक टू बी बरीड अलाइव. माई फैमिली हैज़ ऑलवेज बिलीव्ड दैट दिस इज द ईजिएस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू गेट टू हेवन. तो बिरबल यहाँ पे कहता है लेकिन मैं अपने फैमिली के ट्रेडिशन यानी परंपरा के अनुसार मैं जिंदा ही दफनाना पसंद करूँगा. मेरी फैमिली इस बात पे विश्वास करती है कि सबसे आसान तरीका स्वर्ग जाने का जिंदा दफनाना है.
narrator. And so, to the delight of the barber, Baba mimes happiness. तो बाबा यहाँ पे बहुत खुश होता है. Birbal was buried alive. He found his way into the tunnel that took him to the safety of his own house. Birbal hid in his room for over 6 months. At the end of that time, with long hair and shaggy beard, he came out of his hiding place and set off for the emperor's court. अब हम देखते हैं कि बहुत खुश हो गया बार-बार ये देख कर करके बीरबल को जिंदा दफना गया. वहाँ बीरबल जब जिंदा दफना दिया गया तो वो वहाँ से सुरंग से अपने घर में पहुँच गया, अपने कमरे में, और वो 6 महीने तक वहाँ छुपा रहा, वहाँ से बाहर नहीं निकला. और इन 6 महीनों में उसकी दाढ़ी और बाल बिल्कुल लंबे और घने हो गए. उसके बाद वो राजा के दरबार में 6 महीने के बाद पहुँचता है. नरेटर, अकबर वॉज गेटिंग हिज हेयर कट वेन बीरबल अलाइव एट द कोर्ट. जिस समय बीरबल पहुँचा उस समय अकबर अपने बाल कटवा रहे थे. बीरबल, योर मैजेस्टी. नरेटर, अकबर आस्क बाबा टू लीव द रूम. बीरबल ने राजा को विश किया. उसके बाद नरेटर ने कहा कि अकबर ने बार-बार नाई को वहाँ से जाने के लिए कहा. अकबर, बीरबल, कैन इट बी यू, हाउ डिड यू गेट हियर. तो अकबर पूछते हैं, बीरबल तुम यहाँ पे कैसे यहाँ पे पहुँचे. बीरबल टुक अ डीप ब्रेथ एंड रिप्लाइड. गहरी सांस लेके बोलता है, फ्रॉम पैराडाइज ओ ग्रेट वन. योर फादर इन्जॉयड आवर टॉक सो मच दैट ही गेव मी स्पेशल परमिशन टू रिटर्न टू अर्थ एंड टेल यू ऑल अबाउट देम. तो आपके पिताजी हमारे बातों से इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे अनुमति दी, स्पेशल परमिशन दिया कि जाओ तुम वापस पृथ्वी पे और सब कुछ यहाँ के बारे में बताओ. अकबर, डिड ही गिव यू एनी स्पेशल मैसेज फॉर हिज डिवोटेड सन. क्या उन्होंने तुम्हें कोई खास मैसेज दिया उनके डिवोटेड सन के लिए, फेथफुल सन के लिए. बीरबल, जस्ट वन योर मैजेस्टी. डू यू सी माई लॉन्ग बियर्ड एंड लॉन्ग हेयर. तो एक ही उन्होंने मैसेज दिया कि आप मेरे लंबे और घने बाल देख सकते हैं, बाल और दाढ़ी. नरेटर, अकबर नॉडेड हिज. अकबर ने अपने सारे लाइबेर पर, वेल इट सीम्स वेरी फ्यू बाबर्स मेक इट टू हेवन. योर फादर आस्क्ड यू टू सेंड हिम योर्स एट वंस फॉर ही इज बैडली इन नीड ऑफ अ हेयर कट. तो वो बताता है कि उन पिताजी जो हैं आपके, उनको दाढ़ी बनवाने की और बाल बनवाने की ज़रूरत है. ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कम नाई जो है स्वर्ग पहुँचते हैं. तो वो कहते हैं कि वो उन्होंने कहा है कि तुम अपनी नाई भेज दो. नरेटर, अकबर अंडरस्टूड द मैटर नाउ. अब अकबर को समझ में आया कि मामला क्या है. अकबर, सेंड फॉर द बाबा एट वंस एंड मेक प्रिपरेशंस टू सेंड हिम टू हेवन सो दैट माय डियर फादर कैन हैव अ गुड शेव एंड अ हेयर कट. अकबर बुलाते हैं बार-बार को, कहते हैं कि उसे तुरंत बुलाओ और वो तैयारी करे स्वर्ग जाने के लिए. वहाँ मेरे पिताजी के लिए वो दाढ़ी बनाएंगी और बाल काटेंगे. नरेटर, द बाबा रियलाइज दैट ही हैड फॉलन इनटू द सेम ट्रैप दैट ही हैड सेट फॉर बीरबल. तो बार-बार नाई को इस बात का एहसास हुआ कि जिस उसने गड्ढा खोदा था उसी गड्ढे में वो गिरा. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन चिल्ड्रन. आई होप यू एंजॉयड द लेसन. थैंक यू चिल्ड्रन.